hello everyone trial in a civil suit let's understand it in detail procedural aspect like who will lead evidence first recording of uh, evidence of witnesses examination in chief cross-examination re-examination when the trial actually commences and all related questions i will discuss प्रोविजन्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वट आर द पावर्स ऑफ कोर्ट क्या कोर्ट स्ट्रेंजर्स को कॉल कर सकती है जो पार्टी नहीं है सूट में क्या कोर्ट रिकॉल कर सकती है विटनेसेस को अगर एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट के ऊपर होगी तो पार्टी की प्रेजेंस जरूरी है या नहीं है या बिना पार्टी की प्रेजेंस के ही एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगी क्या अमेंडमेंट के बाद नए प्रोविजन क्या है ऑर्डर 18 रूल 4 या रूल 5 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या उसको हार्मोनियसली रीड करना है ये सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो भी एज अ लॉयर बींग अ लॉयर और एज अ लॉ स्टूडेंट आप समझने की कोशिश करते हैं वो सारे क्वेश्चन सारी क्वेरी मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में सॉल्व करने की तो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप आई विल डिस्कस एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आल्सो एट द सेम टाइम आई विल डिस्कस ट्स स्टार्ट आर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन वेन द ट्रायल वेन द सिविल ट्रायल एक्चुअली कमिंसिस कब ये स्टार्ट होती है सिविल ट्रायल स्टार्ट कब होती है तो जनरली हम कहते हैं ऐसा कि इश्यू फ्रेम होने से सिविल ट्रायल स्टार्ट हो जाती है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यू ऑर्डर 14 में जिसके बारे में बात की गई है फ्रेम इश्यू फ्रेम होने के बारे में उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होती है अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है वो है विद्याबाई वर्सेस पद्मलता 2009 की जजमेंट है विद्याबाई वर्सेस पद्मलथा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सिविल ट्रायल है वो कमेंस होता है ऑन द डेट ऑन विच एविडेंस जो एग्जाम एफिडेविट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ इज स्टैंडर्ड जब एग्जामिनेशन इन चीफ जब होती है तो एग्जामिनेशन इन चीफ को थ्रू एफिडेविट करते हैं हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल हम क्वेश्चन जो हमारा है कि वेन द ट्रायल एक्चुअली कमेंसेस तो वॉट सुप्रीम कोर्ट हैज लेड आई एम रीडिंग दैट दो लाइंस ट्रायल इन अट कमेंसेस ऑन डेट ऑन विच एफिडेविट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ पार्टी और हिज विटनेस इज फाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस मतलब एफिडेविट इन ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन चीफ मतलब में में जो evidence हम tender करते हैं civil suit में, वो affidavit के ऊपर करते हैं ऑर्डर 18 रूल 4 को जब आप पढ़ेंगे तो वो कहती है एवरी एग्जामिनेशन इन चीफ शैल बी ऑन एफिडेविट तो ये उस डेट के ऊपर कह रहा है कि जिस डेट के ऊपर वो एग्जामिनेशन इन चीफ शैल बी ऑन एफिडेविट तो जिस डेट के ऊपर वो टेंडर किया गया जिस डेट के ऊपर वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में दिया गया उसी डेट को ट्रायल कमेंस होती है दिस इज द डेट ऑन विच द ट्रायल कमेंसेस राइट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड जैसा कि मैंने कहा कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यू के बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यू के बाद तो इसलिए कहा क्योंकि फ्रेम जब कोर्ट इश्यू इश्यू जब फ्रेम करती है इश्यू फ्रेम करना कहने का मतलब होता है कि पार्टीज के बीच में जो भी विवाद है इश्यूज कहने का मतलब है जो भी विवाद है जैसे मैं अगर प्लेंटिफ हूं और रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने फाइल किया है तो प्लेंटिफ ने हो सकता है पूरी अपनी सारी राम कहानी बता दी हो डिफेंडेंट ने भी उसको काफी डिटेल में उसको रिप्लाई किया हो रिटर्न स्टेटमेंट में अब ये प्लेंटिफ के सारे रिप्लाई प्लेंटिफ का प्लेंट जहां पर क्या रिलीफ वो चाह रहा है डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट जहां डिफेंडेंट की रिप्लाई है इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर रिलाई कर रही हैं पार्टीज इसके अलावा जो ऑर्डर टेन में फर्स्ट हियरिंग होती है फर्स्ट हियरिंग में ओरल एग्जामिनेशन होती हैं पार्टीज की क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन आंसर से जो एडमिशन और डिनाइल निकल कर आया है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड इसके अलावा इंटरोगेटरीज डिलीवर किए गए हैं उसका आंसर आया है तो इन सब को देखने के बाद कोर्ट क्या करती है कोर्ट नैरो डाउन करती है कि ये कंट्रोवर्सी एक्चुअली है क्या इश्यू है क्या विवाद है क्या इसी को हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यू इसी को हम कहते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यू और ये जो इश्यू है ये दोनों तरह के हो सकते हैं ये फैक्ट के ऊपर भी हो सकता है और लॉ के ऊपर भी हो सकता है हाउ इज इट ऑन फैक्ट जैसे कि मान लो कि अगर दो पार्टीज के बीच में अगर ये डिस्प्यूट है कि कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट है मान लो तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है एक पार्टी असर्ट कर रही है दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है ऐसा हो रहा है तो यहां पर यह फैक्चुअल पोजिशन है यह फैक्ट के ऊपर है इश्यूज एग्जिस्टेंस वेदर देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट तो ये हो गया इश्यू ऑफ फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ क्या होगा जैसे जुरिस्डिक्शन है या नहीं कोर्ट की लिमिटेशन से बाढ़ तो नहीं है रेस ड्यूटी काटा से बाढ़ तो नहीं है कंस्ट्रक्टिव रेस ड्यूटी काटा से बाढ़ तो नहीं है तो ये सारे होते हैं इश्यूज ऑफ लॉ तो जब कोर्ट इश्यू फ्रेम करती है तो फैक्ट के ऊपर भी करती है और लॉ के ऊपर भी करती है लेकिन यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि जब वो डिसाइड करती है तो लॉ वाले इश्यू को पहले डिसाइड करती है और उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी इश्यू लॉ के ऊपर जो इश्यू है जैसे लिमिटेशन का जो पॉइंट है रेस ड्यूटी काटा का पॉइंट है जुरिस्डिक्शन का पॉइंट है तो ये जो लॉ के ऊपर जो पॉइंट है उनको पहले डिसाइड करती है एज अ प्रिलिमिनरी इश्यू प्रिलिमिनरी इश्यू पहले डिसाइड करेगी और नेचुरली ये पहले डिसाइड होना भी चाहिए क्योंकि मान लो अगर सूट बार्ड बाय लिमिटेशन है तो फिर जरूरत क्या है फिर आ, आगे डिसाइड करने की कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस है या नहीं है ये क्वेश्चन ही रिटेंडेंट है नॉट तो इस तरह से कोर्ट इश्यू फ्रेम कर लेती है उस कंट्रोवर्सी को डाउन कर लेती है कि क्या कोर्ट ने डिसाइड करना है उसके बाद अब हम आ जाते हैं ट्रायल में एविडेंस स्टेज के ऊपर कि ट्रायल अब जब शुरुआत होगी सबसे पहले एविडेंस की जब शुरुआत होगी तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आएगा कि कौन सी पार्टी एविडेंस पहले देगी विच पार्टी विल लेड एविडेंस फर्स्ट हु हैज द राइट टू बिगिन तो जब आप ऑर्डर एटीन सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तो ऑर्डर एटीन रूल वन सीपीसी ये कहती है कि प्लेंटिफ हैज अ राइट टू बिगिन प्लेंटिफ का बिगिन करने का अधिकार है मतलब प्लेंटिफ विल लेड एविडेंस फर्स्ट लेकिन लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट है जिसको बर्डन ऑफ प्रूफ जिसका डिफेंडेंट के ऊपर है तो ऐसा आप स्ट्रिक्टली सिविल सूट में नहीं कह सकते हैं क्रिमिनल केसेस की तरह कि यहां जैसे क्रिमिनल केसेस में प्रोजिक्यूशन नहीं स्टार्ट करना है एविडेंस तो यहां सिविल केसेस में प्लेटिव हैज अ राइट टू बिगिन नो डाउट बट एट द सेम टाइम जो डिफेंडेंट है अगर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो उसने प्रूव करना है तो डिफेंडेंट मे ऑल्सो बिगिन डिफेंडेंट में ऑल्सो लीड एविडेंस फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जज एक जजमेंट है उसकी एक फाइंडिंग मैं आपको बताता हूं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिफेंडेंट मे बी आस्क टू लीड एविडेंस फर्स्ट इफ केस सेटअप बाय इट इज सच दैट इफ केस सेटअप बाय इट इज सच दैट प्रूविंग इट वुड डिसाइड ऑल इश्यूज इन सूट कोर्ट हैज दथॉरिटी टू गिव नेसेसरी डायरेक्शन अंडर ऑर्डर एटीन रूल वन ओके तो उसके बाद क्या होता है अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझना फ्रेमिंग ऑफ इश्यू हो गया इश्यू फ्रेम होने के बाद अब एविडेंस की बारी आई एविडेंस में सबसे पहला क्वेश्चन आया कि कौन बिगिन करेगा कौन शुरुआत करेगा तो प्लेन्टिफ हेज ए राइट टू तो बिगिन लेकिन स्ट्रिक्टी नहीं है डिफेंडेंट भी कर सकता है किन परिस्थितियों में आपने समझा अब क्या होगी अब ओरल आर्ग्यूमेंट होगी अब जैसे मान लो प्लेंटिफ ने स्टार्ट किया है तो प्लेंटिफ अपने केस के बारे में डिटेल में बताएगा कोर्ट को जो भी उसका रिलीफ जो भी केस है जो कॉज ऑफ एक्शन है जो रिलीफ वो क्लेम कर रहा है उसके बारे में जब कोर्ट में वो कोर्ट को डिटेल में बता दिया जाएगा तो वो ओरल आर्ग्यूमेंट कहते हैं उसको क्या कहते हैं ओरल आर्ग्यूमेंट यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर 18 रूल 2 को जब आप रीड करेंगे तो वहां पर यह बात कही गई है कि रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जा सकते हैं रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जा सकते हैं और जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स की कॉपी है जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स है उसकी कॉपी आप दूसरे पार्टी को भी सप्लाई कर देंगे ताकि वो भी देख सके वो भी देख सके कि क्या आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं एक पॉइंट और मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब आप ऑर्डर 16 पढ़ेंगे तो इश्यू फ्रेम होने के बाद श्यू फ्रेम होने के बाद पंद्रह दिन के अंदर फिफ्टीन डेज के अंदर कोर्ट को जो विटनेसेस हैं जैसे मान लो सपोज मैं प्लेटिव हूं तो मैं जितने विटनेसेस हैं जिसके जो जो मेरे पक्ष में आकर कोर्ट में बात करेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूं नेचुरली मैं अपने केस को सपोर्ट करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर रिलाई करूंगा तो अब यहां पर दो परिस्थितियां हो सकती हैं एक परिस्थिति यह हो सकती है कि जो विटनेसेस हैं वो मेरे कहने पर कोर्ट में आ जाएंगे और दूसरी परिस्थिति में है उसको हमें कोर्ट में बुलाना होगा कि कोर्ट में हमें चाहिए हमारे सूट के लिए हमारे डिस्पोजल के लिए जरूरी है तो इसके लिए हम कोर्ट में समन्स कराते हैं कोर्ट से हम समन्स लेते हैं और वो समन्स समन्स मतलब समझते ही आप कि बुलावा उसको बुलाया जाता है कि वो विटनेस वहां पर आएगा वहां पर एविडेंस अपना रिकॉर्ड कराएगा या डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोड्यूस किए जाने हैं तो वो प्रोड्यूस किए जाएंगे इसके बारे में डिटेल में ऑर्डर सिक्सटीन रूल वन में बताया गया है आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं उसके बाद जब हम ओरल आर्ग्यूमेंट्स की ओरल आर्ग्यूमेंट्स हो गया रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स जो भी है वो दे दिया हमने अब यहां से आपने समझना है प्रोसीजरल आस्पेक्ट को कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी एविडेंस की अब रिकॉर्डिंग एविडेंस जो विटनेसेस की एविडेंस है वो कैसे रिकॉर्ड होगी तो जैसे आप जानते हैं क्रिमिनल केसेस में ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन जब एविडेंस एक्ट में आप पढ़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है देयर आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देर आफ्टर री एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन इन चीफ आप क्या कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ किसको कहते हैं कि जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है उसी पार्टी ने उसको एग्जामिन किया तो दिस इज व्हाट एग्जामिनेशन इन चीफ और उसी उसी विटनेस को जब दूसरी पार्टी ने एडवर्स पार्टी ने एग्जामिन किया तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया मतलब आपके विटनेस को आपके गवाह को दूसरी पार्टी ने एग्जामिन किया तो ये हो गया क्रॉस एग्जामिनेशन अब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोई नई बात निकल कर आ गई कि आप अपने ही विटनेस को दोबारा से एग्जामिन करना चाहते हैं तो ये हो गया री एग्जामिनेशन दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन लेकिन क्रिमिनल और सिविल केसेस में डिफरेंस क्या है प्रोसीजर में प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं वन बाय वन सबसे पहली बात एग्जामिनेशन इन चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ ऑर्डर 18 रूल वन को जब आप रीड करते हैं तो वो कहती है एग्जामिनेशन इन चीफ शेल बी ऑन एफिडेविट एग्जामिनेशन इन चीफ शैल बी ऑन एफिडेविट तो जब ये एफिडेविट के ऊपर होगा तो फिर कोर्ट में प्रेजेंस की जरूरत नहीं है पार्टीज को विटनेस को या पार्टी को जिनका भी एविडेंस रिकॉर्ड करना है एग्जामिनेशन इन चीफ में उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है तो आंसर इज येस उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर 18 रूल वन को जब आप पढ़ेंगे तो वो स्टार्ट होता है इन एवरी केस इन एवरी केस कहने का मतलब यहां पर है अपीलेबल हो या नॉन अपीलेबल हो चाहे वो अपीलेबल केस हो चाहे वो नॉन अपीलेबल केस हो इन एवरी केस एग्जामिनेशन इन चीफ शैल बी ऑन एफिडेविट अब आप कहोगे कि ये कोर्ट में नहीं होता है तो फिर ये कैसे होगा फिर क्या ये घर से लिख कर दे देंगे तो आंसर इज इसमें जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है प्रोसीजर क्या है आप एफिडेविट के ऊपर अगर टेंडर कर रहे हैं कोई एविडेंस आप दे रहे हैं तो आप उसकी सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं कि दिस इज द दिस इज द ट्रुथ ट्रू स्टेटमेंट जिसकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है तो वहां पर आपने ध्यान क्या रखना है चाहे वो लॉयर के चैंबर में ही वो मान लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होकर के वो एफिडेविट के ऊपर कोर्ट में जा रहा है तो वहां पर यह ध्यान रखना है कि एग्जेम्पन मिली है एग्जेपन मिली है कि कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ट्रायल स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट कि लंबा ना खींचे समय ज्यादा ना लगे जल्द कट शॉर्ट किया जा सके समय को इस वजह से यह प्रोविजन लाया गया सीपीसी में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोसीजर को आप ओवर कर देंगे प्रोसीजर जो है आपने फॉलो करना है जैसे एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट में होती वैसे ही आपने उसको रिकॉर्ड करना है आप कोर्ट में नहीं कर रहे हैं। आप लॉयर अपने चैंबर में कर रहा हो या जहां भी कर रहा हो वो प्लेस की बात अलग है लेकिन वहां पर उसको रिकॉर्ड करके उस उसी तरह से उसको सरपास करने की जरूरत नहीं है उसको रिकॉर्ड करके वहां पर कोर्ट में एफिडेविट के ऊपर देना है अब यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं ऑर्डर 18 रूल 4 में बात यह कही गई है और ऑर्डर 18 रूल 5 जब आप रीड करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड होगी कोर्ट में ओपन कोर्ट में और जजेज उसको डिक्टेट करेंगे और जजेस के सामने होगी तो आपको ऐसा लग सकता है कि ऑर्डर 14 और ऑर्डर 15 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है ऑर्डर 14 और ऑर्डर 15 में कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है एक जगह कहा रहा जा रहा है शैल बी ऑन एफिडेविट दूसरी जगह कहा जा रहा है कि एविडेंस एवरी एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन इन इन ओपन कोर्ट बिफोर जज तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है ऑर्डर 18 रूल 4 अमेंडमेंट के बाद आया है और यहां पर इसमें अमेंडमेंट से यह कहा गया है ऑर्डर 18 रूल 4 को कि एग्जामिनेशन इन चीफ सेल बी ऑन एफिडेविट तो प्रेजेंस ऑफ पार्टी और प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट इंपरेटिव जरूरी नहीं है कि प्रेजेंस हो वहां पर राइट यह पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में भी आया था यह इश्यू सुप्रीम कोर्ट में भी आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो मैं आपको बता दूं, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू इस को आ, डिस्कस किया आप जजमेंट देख सकते हैं एटीन इलेवन टू थाउजेंड थ्री की जजमेंट है अठारह नवंबर दो हजार तीन की जजमेंट है आमी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आमिर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सपूर जी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड आमिर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सपूर जी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इसमें कहा था प्रेजेंस ऑफ पार्टी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ इज नॉट इंपरेटिव इफ एनी ऑब्जेक्शन इज टेकन टू एनी स्टेटमेंट मेड इन एफिडेविट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट मतलब एफिडेविट इन रिप्लाई अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रेज कर सकते हैं जो अपोजिट पार्टी है इफ एनी ऑब्जेक्शन इज टेकन टू तो एनी स्टेटमेंट मेड इन एफिडेविट एज फॉर एग्जाम्पल दैट स्टेटमेंट हैज बीन मेड बियॉन्ड द प्लीडिंग्स क्योंकि रूल है पार्टी कैनॉट ट्रेवल बियॉन्ड द प्लीडिंग्स और जो स्टेटमेंट है वो बियॉन्ड द प्लीडिंग्स दी गई है तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं रिप्लाई पार्ट फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में आप सच ऑब्जेक्शन कैन ऑलवेज बी टेकन बिफोर द कोर्ट इन राइटिंग एंड इन एनी इवेंट अटेंशन ऑफ विटनेस कैन ऑलवेज बी ड्रॉन वाइल्ड क्रॉस एग्जामिन और जब क्रॉस एग्जामिन करेंगे तब भी अटेंशन वहां पर आप ला सकते हैं डिफेंडेंट वुड नॉट बी प्रिजुड्यूज इन एनी मैनर वॉट सो एवर द एग्जामिनेशन इन चीफ इज टेकन ऑन एफिडेविट एंड इन द इवेंट ही डिजायर टू क्रॉस एग्जामिन सेड विटनेस ही वुड बी परमिटेड टू डू सो इन ओपन कोर्ट ऑर्डर एटीन रूल्स फोर एंड फाइव आर रिक्वायर्ड टू बी हारमोनियसली कंस्ट्रूट रूल फाइव कैन नॉट बी रेड एज एक्सेप्शन टू ऑर्डर एटीन रूल फोर मतलब ये क्लियरली कहा गया है कि रूल फाइव कैन नॉट बी रेड एज एन एक्सेप्शन टू ऑर्डर एटीन रूल फोर तो ये एग्जामिनेशन इन चीफ है जो आपने समझ लिया अब आ जाओ क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के ऊपर तो यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में भी यहां पर लिबर्टी है क्या लिबर्टी है आइदर बिफोर द कोर्ट और बिफोर द कमिश्नर आइदर बिफोर कोर्ट और बिफोर कमिश्नर ऑर्डर 18 रूल 4 में ही यह बात कही गई है कि कोर्ट के सामने भी और कमिश्नर के सामने भी अब कहोगे कमिश्नर कौन होता है तो कमिश्नर होता है जो पैनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट तैयार करती है लॉयर्स का पैनल जो कमिश्नर जिसको अपॉइंट करती है जैसे कि मान लो कोई पार्टीशन सूट है देर आर सेवरल डॉक्यूमेंट्स कई सारे या मान लो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है सिविल सूट है डिस्प्यूट है उसका कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कई सारी पार्टीज हैं उसके बाद सेवरल इश्यूज हैं जो उसके बाद साथ साथ आपको रिकॉर्ड्स काफी सारे हैं जैसे होता है ना मान लो कि अगर मान लो लैंड है तो उसकी उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है खसरा खतौनी जिसको आप कहते हैं या फिर उससे रिलेटेड मैप्स होते हैं कई सारी चीजें होती हैं तो इन सबको कोर्ट को अगर कोर्ट करती है कोर्ट के सामने ही सिर्फ होता है तो इसमें समय काफी लग सकता है तो इसलिए यहां पर यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे सूट में ऐसे सूट में जहां पर सेवरल इश्यूज आर इन्वॉल्व सेवरल डॉक्यूमेंट्स आर इन्वॉल्व सेवरल विटनेसेस तो वहां पर वो कोर्ट के सामने भी कमिश्नर के सामने भी हो सकता है या फिर प्रैक्टिकली कहीं uh, उसको प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कोर्ट के लिए कर पाना तो क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के लिए यहां पर कोर्ट के सामने और कमिश्नर के सामने दोनों ही सुविधा यहां पर दी गई है ऑर्डर 18 रूल 4 को जब आप रीड करेंगे अब यहां पर क्या है कि कमिश्नर कैसे करता है कोर्ट के सामने तो आप नेचुरली समझ ही रहे हैं कोर्ट के सामने क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है जो एग्जामिनेशन इन चीफ में है उसके उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है उसको पूछा जा रहा है कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं क्रॉस किया जा रहा है और जब कमिश्नर के सामने होगी जब बिफोर कमिश्नर है तो कमिश्नर फिर उसकी रिपोर्ट बनाएगा अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया है यहां पर एक पॉइंट आता है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है कमिश्नर के सामने तो क्या उस ऑब्जेक्शन को भी कमिश्नर ही आ, डिसाइड कर देगा तो आंसर इज नो कमिश्नर का काम है बस रिकॉर्ड कर लेना जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लेना क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन जो भी होना है और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन भी है तो उस ऑब्जेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेना और उस ऑब्जेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लेना और जब कमिश्नर रिपोर्ट बनाएगा तो उस रिपोर्ट को जब वो फॉरवर्ड करेगा किसको जज को तो वहां पर वो ऑब्जेक्शन भी रिकॉर्ड कर देगा कि क्या ऑब्जेक्शन रेज किया गया था उस ऑब्जेक्शन को भी रिकॉर्ड करके वहां भेज दिया जाएगा हां यहां पर कमिश्नर को एक और लिबर्टी है कि कमिश्नर उसके डेमिनर के ऊपर विटनेस या पार्टी जो भी है जिसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है तो उसके डेमिनर के ऊपर उसके व्यवहार के ऊपर उसके कंडक्ट के ऊपर उसके उसके भाव भंगिमा के ऊपर भी अगर कुछ वो कहना चाहता है तो कुछ रिकॉर्ड करना चाहता है तो वो भी वो रिकॉर्ड कर सकता है ये कमिश्नर की अथॉरिटी है तो इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होता है तो ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट एग्जामिनेशन इन चीफ के क्रॉस एग्जामिनेशन के और री एग्जामिनेशन के जो आपने ब्रीफ में अंडरस्टैंड किया इसके अलावा कोर्ट की एक दो इंपॉर्टेंट पावर्स भी मैं साथ में इस ब्रीफ लेक्चर में डिस्कस कर देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री में बहुत आता है क्वेश्चन एक है ऑर्डर सिक्सटीन रूल फोर्टीन और एक है ऑर्डर एटीन रूल सेवनटीन ऑर्डर एटीन रूल सेवनटीन ऑर्डर सिक्सटीन रूल फोर्टीन में आपको बात की गई है कि कोर्ट स्ट्रेंजर्स को भी कॉल कर सकता है जो पार्टी नहीं है उसको भी कॉल कर सकता है उसको भी एग्जामिन कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि सूट के डिस्पोजल के लिए इसकी जरूरत है उसके उसके उस उस विटनेस को भी एग्जामिन करना जरूरी है अगर उसके पजेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको देखना है वट इट इज और यहां पर भी जो ऑर्डर एटीन रूल 17 का प्रोविजन है वो रिकॉल के बारे में बात करता है कोर्ट में रिकॉल एंड री एग्जामिन विटनेस कि अगर कोई विटनेस है तो उसको रिकॉल किया जा सकता है उसको री एग्जामिन किया जा सकता है हां लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है बट कोर्ट ने यहां पर देखना है इसको प्रॉपरली कि क्या इसकी जरूरत है या नहीं है या फिर मेयर आस्किंग की पार्टी ने आस्क पूछा और पार्टी ने कहा और कोर्ट ने रिकॉल कर दिया क्योंकि रिकॉल करने का मतलब क्या है उस विटनेस की ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुकी है अब उसको दोबारा से रिकॉल करना और री एग्जामिन करना तो कई बार क्या होता है बिलेटेड स्टेज के ऊपर अब पहले मान लो क्रॉस एग्जामिन किया नहीं अब बिलेटेड स्टेज के ऊपर उसको एक, उसको उसको बुलाने की बात हो रही है यहां पर एक पॉइंट और है कि अगर कोई विटनेस जिसका एग्जामिनेशन इन चीफ तो हो गया है लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो उस विटनेस को जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता है तो एविडेंस एक्ट सेक्शन थ्री के अंदर वो एविडेंस नहीं है तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं दो जजमेंट है जजमेंट सु, ए, ए, है सुप्रीम कोर्ट की के के वेलू सामी वर्सेस एन पलानी सामी के के वेलू सामी वर्सेस एन पलानी सामी ये 2011 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की इसमें कहा गया है ऑर्डर 18 रूल 17 सीपीसी इज टू बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली Provision is not intended to enable parties to recall any witness for further cross examination. It is primarily to enable the court to clarify any issue or doubt by recalling any witness, either suomoto or on application of any party. मतलब रिकॉल करने की जो पावर है ये सुवो मोटो भी है कोर्ट खुद से भी कर सकती है या पार्टी की कोई पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई है कि हाँ इसको रिकॉल किया जाए तो उसको रिकॉल कर सकती है कई बार पार्टीज क्या होती है पहले उसको रिकॉल नहीं करती है पहले क्रॉस एग्जामिन नहीं करती है बाद में एपिलेट स्टेज के ऊपर हाई कोर्ट में आकर के वो एप्लीकेशन लगाती है कि उसकी एग्जामिनेशन नहीं हुई थी उसकी उसको ऑर्डर किया जाए उसको रिकॉल कराया जाए या उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए तो यहां पर कह रहा है सो दैट कोर्ट कैन इट सेल्फ पुट क्वेश्चन एंड इलिसिट आंसर तो ये ऑर्डर 16 रूल 14 में और ऑर्डर 18 रूल 17 ये दो प्रोविजन आपने याद रखना है ऑर्डर 18 रूल 17 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन एंड ऑर्डर 16 रूल 14 इज आल्सो स्ट्रेंजर ऑफ सूट ये भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं इसको ऑर्डर 16 रूल 14 जहां पर स्ट्रेंजर को कॉल कर सकती है कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेस स्ट्रेंजर्स टू द सूट कोर्ट में ऑन इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेस स्ट्रेंजर्स टू द सूट जो सूट में स्ट्रेंजर्स हैं उनको भी समन कर सकती है एज अ विटनेस एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज डिस्कशन कि क्या ये एविडेंस होता है जो एफिडेविट फाइल की गई है जो एग्जामिनेशन इन चीफ है ऑर्डर 18 रूल 4 में क्या ये एविडेंस होता है तो आंसर इज अगर इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई है फिर तो ये एविडेंस है ये कहता है एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट सीपीसी इज नॉट एविडेंस विद इन सेक्शन थ्री ऑफ एविडेंस एक्ट अनलेस डेपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन अनलेस डेपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब एफिडेविट e. जो ऑर्डर 18 रूल 4 में फाइल हुआ है एग्जामिनेशन इन चीफ शेल बी ऑन एफिडेविट तो वो एविडेंस नहीं है विद इन सेक्शन थ्री ऑफ एविडेंस एक्ट अनलेस क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई है सॉरी तो दिस इज वॉट ब्रीफली सिविल ट्रायल इज आई होप यू वोड अंडरस्टूड जो प्रोविजन है उनको आप पढ़ सकते हैं ऑर्डर एटीन ऑर्डर सिक्सटीन सॉरी ऑर्डर फोर्टीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू